गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। तो आज मैं बनाऊंगी व्रत के आलू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, सबको पसंद आते हैं। और इन्हें दही के साथ खाया जाए तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 3-4 आलू, बॉईल करे हुए, उन्हें छील के काट लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार काली मिर्च, और ये धनिया पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार है। ये 2 कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1/2 टेबलस्पून जीरा। तो अब मैं कढ़ाई में रिफाइंड डालूंगी और उसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। हमें फ्लेम मीडियम रखनी है जिससे कि मसाले जले ना। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे देंगे, धनिया पाउडर, इसमें आलू डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए इनमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। देखिए मसाले इनमें अच्छे से मिक्स हो चुका है और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे काट के। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे और ये धनिया पत्ती, और ये हमने इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेडी हैं, अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब आप इन्हें बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।